देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह, चर्चित यूट्यूबर व सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप को कल पटना सिविल कोर्ट ने बड़ी राहत दी। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया, मनीष कश्यप की आंखें नम हो गई। वो कोर्ट में ही फफक फफक कर रोने लगे। मनीष कश्यप की तस्वीरें भी सामने आई है रोते हुए। उनके समर्थक कह रहे हैं कि मनीष भैया रोना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, रोना नहीं है, हम लोगों को मिलकर लड़ना है। दरअसल पटना सिविल कोर्ट ने कल मनीष कश्यप को बड़ी राहत देते हुए ये फैसला सुनाया कि अब मनीष कश्यप तमिलनाडु नहीं जाएंगे। मनीष कश्यप को बिहार के बेऊर जेल में रखा जाएगा। कोर्ट का यह फैसला मनीष कश्यप के लिए बेहद ही सुखद था, क्योंकि तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में एनएसए के तहत बंद मनीष कश्यप को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। एक तो बिहारी कल्चर और तमिलनाडु का कल्चर अलग है, खान पान अलग है और भाषा अलग है। कठिनाइयां तीनों चीजों में होती थी, लेकिन बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप किसी तरीके से इतने दिनों तक वो तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में रहे। इंतजार हमेशा रहा कि हम कब बिहार जाएंगे और बिहार की कोर्ट ये कहेगी कि मनीष कश्यप को तमिलनाडु नहीं बल्कि बिहार कहीं किसी जेल में भेज दिया जाए। मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर भी इस मामले की अर्जी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी मनीष कश्यप को राहत नहीं मिला। लेकिन पटना सिविल कोर्ट ने जैसे ही ये फैसला सुनाया, मनीष की आंखें नम हो गई। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई है, तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें बता रही है कि एक भावुकता वाली जीत की तस्वीर है। ये तस्वीरें बता रही है कि तमिलनाडु के जेल में कितना पीड़ा था, कितना दर्द था और कितना कुछ सहन कर रहे थे मनीष कश्यप। उनके एडवोकेट की ओर से भी साफ तौर पर ये बातें कई बार कही गई है कि जिस तरीके से तमिलनाडु में सब कुछ अलग है, एक बहुत बड़ी राहत जो है आज मिली है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप को कल पटना सिविल कोर्ट में दो अलग अलग मामले में पेशी के लिए ले जाया गया था, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ उतना ही राहत नहीं दी बल्कि मनीष कश्यप को यहां तक कह दिया कि अब वो बिहार के जेल में ही रहेंगे, उन्हें तमिलनाडु नहीं ले जाया जाएगा। देखिए दो मामले, एक मामला तमिलनाडु से जुड़े फर्जी वीडियो प्रकरण का, तो दूसरा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर किए गए आपत्तिजनक टिप्पणी का। इस मामले में पटना सिविल कोर्ट ने मनीष कश्यप को राहत दे दी है। हालांकि अब इस पूरे मामले में पटना में और भी मनीष कश्यप के खिलाफ मामले दर्ज हैं, उसमें पूछताछ करने के लिए पुलिस रिमांड पर इन्हें ले जा सकती है। देखिए यूट्यूबर मनीष कश्यप से जुड़ी एक खबर आपको दे रहे हैं, ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर बता रही है कि किस तरीके की भावुकता है। देखिए इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए मनीष कश्यप के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि हम लोग मनीष कश्यप की जमानत के लिए बेल फाइल करेंगे। मनीष के वकील ने यह भी कहा कि अगर मनीष कश्यप के समर्थक नारेबाजी या किसी प्रकार का प्रोटेस्ट करेंगे तब उसे तमिलनाडु भेजा जा सकता है, क्योंकि पहले इस तरीके का हुआ है, पूर्व सांसद दिवंगत शहाबुद्दीन के साथ ऐसा देखा गया है। इस वजह से मनीष कश्यप के समर्थकों से उनके वकील ने अपील किया कि किसी भी तरह का कोई प्रोटेस्ट ना करें, नहीं तो इससे नुकसान सीधे मनीष कश्यप को है। लेकिन आप साफ तौर पर देख रहे होंगे मनीष कश्यप की आंखों में आंसू, ये भावुकता की आंसू है, एक जीत की आंसू है, एक हर्ष की आंसू है, क्योंकि तमिलनाडु के मदुरई सेंट्रल जेल में बंद मनीष कश्यप ने जो पीड़ा सहन किया है, बिहार के जेल में भेजने का फैसला सुनते ही आंखें नम हो गई। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।